दोस्तों आज की कहानी मानव इतिहास के एक ऐसे क्रूर तानाशाह की है जिसको अफ्रीका के कसाई आदमखोर अफ्रीकन हिटलर इंसानों के दुश्मन और न जाने कैसी कैसी उपाधियां प्राप्त हैं। दोस्तों आज की कहानी इतिहास के एक ऐसे खौफनाक मंजर की है जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हर्ट में बसे एक छोटे से देश युगांडा के एक खूंखार डिक्टेटर इदी अमीन ने न जाने कितने लाखों मासूम लोगों को मार मार कर अफ्रीका में खून की नदियां बहाईं। ये तो इतिहास में कई तानाशाह आए और गए, लेकिन इदी अमीन जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। अपने 8 साल के शासन में उन्होंने क्रूरता के जितने प्रतिमान गाड़े उतने आधुनिक इतिहास में दूसरा कोई मेल नहीं है। कहा जाता है कि इदी अमीन केवल अपने दुश्मनों को मारता ही नहीं था बल्कि उनकी डेड बॉडीज के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करता था। इदी अमीन की कहानी बताने वाले कई राइटर्स बताते हैं कि वो कुछ ह्यूमन बॉडीज के कई पार्ट्स अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखता था और उन्हें शौक से खाता था। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और ह्यूमन राइट्स फाउंडेशंस की कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने शासन के दौरान उन्होंने लगभग 6 लाख लोगों की जान ली। कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि वो हर दिन लगभग 250 लोगों को मरवा दिया करते थे। जी हाँ, हर दिन। युगांडा के लोगों के साथ साथ इदी अमीन के इसी नरसंहार के दौरान इंडिया, पाकिस्तान और बाकी एशियन देशों के भी कई लोग उसकी चपेट में आए। वो क्यों और कैसे, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आज इसी वीडियो में हम इदी अमीन की लाइफ जर्नी और उनके शासनकाल पर भी नजर डालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। इदी अमीन डाडा ओमान का जन्म 1925 में युगांडा के एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कोबोको में हुआ। युगांडा उस समय एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था। युगांडा में प्राइमरली ट्राइबल कम्युनिटीज रहा करती थी। उनके पिता काकावा जाति और उनकी माता कुकबारा ट्राइब को बिलोंग करती थी। इदी के बचपन में ही उनके माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए और इदी की परवरिश उनकी माँ ने की। 7 भाई बहनों में वो तीसरे स्थान पर थे। गरीबी के कारण उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई। बचपन में वो खेत में बकरियों को चराने का काम किया करते थे। मिड टीन्स में उनकी पहली जॉब लुगाजी में मौजूद एक ब्रिटिश इंपीरियल रेस्टोरेंट में लगी। यहीं पर एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की नज़र इदी अमीन पर पड़ी। वो 6.4 फीट लंबे 240 पाउंड्स के वजन वाले इदी अमीन की कदकाठी देखकर हैरान रह गए। यहीं से इदी को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। US आर्मी ऑफिसर ने किसी तरह इदी को ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी में इंडक्ट कराया। 1946 में उन्हें ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी के एक रेजिमेंट किंग्स अफ्रीकन राइफल में जॉब मिली। इसी दौरान इदी ने युगांडा के हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब भी जीता और ये खिताब उनके पास 1951 से लेकर 1960 तक रहा। अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के बलबूते पर वो स्टेप बाय स्टेप आर्मी की हायर रैंक्स तक पहुंचते गए। 1949 में उन्हें सोमालिया में शिफ्ता रेबल्स को खदेड़ने के मिशन पर भेजा गया। उसके बाद 1952 में उनको केन्या में माओ माओ रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए डिप्लॉय किया गया। इन दोनों मिशन्स में मिली सक्सेस के बाद उन्हें पहले कॉरपोरल और फिर सर्जेंट की पोस्ट पर प्रमोट किया गया। 1953 तक आते आते वो फाइनली FND की रैंक तक पहुंच गए। ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी की किसी भी ब्लैक ऑफिसर के लिए सबसे हाईएस्ट रैंक FND होती थी। इतना ही नहीं, वो अपने काम में इतने माहिर थे कि 1961 तक आते आते वो आर्मी के लेफ्टिनेंट की रैंक तक भी पहुंच गए। ये ऐसे 2 युगांडन्स में पहले व्यक्ति थे जिनको कमीशन्ड ऑफिसर का पद हासिल हुआ। इस दौरान उनको कई मिलिट्री ऑपरेशंस पर भेजा गया और जहां जहां भी उनको भेजा गया उन्होंने केवल नरसंहार ही किया। उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को बहुत इनह्यूमन तरीकों से मौत के घाट उतार दिया। खैर, 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को ब्रिटिशर से आजादी मिली और मिल्टन ओबोटे युगांडा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। जाहिर है कि मिल्टन ओबोटे भी इदी अमीन की पर्सनालिटी से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी के चलते उन्होंने इंडिपेंडेंट युगांडा की आर्मी में उनको बनाए रखने का फैसला किया। दोनों ने ही अलायंस बनाई और युगांडा की आर्मी को स्ट्रेंथन करना शुरू किया। इसी के चलते उन्हें आर्मी में और भी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशंस मिल गईं। 1962 में कैप्टन और 1963 में वो मेजर की रैंक तक पहुंचे। 1964 में वो आर्मी के डिप्टी कमांडर और 1965 में आर्मी के कमांडर के पद तक पहुंचे। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग घटना हुई। असल में PM मिल्टन ओबोटे और इदी अमीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से युगांडा में एवोरी और गोल्ड की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए। जब 1965 में ये स्कैम सबके सामने आया तो युगांडन पार्लियामेंट ने PM ओबोटे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर दिए। इससे बचने के लिए उन्होंने युगांडा कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश कर दिया। इसी के साथ उन्होंने इदी अमीन की मदद से साउथ सेंट्रल युगांडा में मौजूद
युगांडा के किंग म्यूत्सा सेकंड की सेरेमोनियल प्रेसिडेंसी को एबॉलिश कर दिया और खुद को युगांडा का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया। साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी ओवरथ्रो कर दिया। इदी अमीन ने किंग म्यूत्सा के पैलेस पर अटैक किया और म्यूत्सा को युगांडा से भगा दिया और उनको यूके में एग्जाइल में रहना पड़ा। इसके बदले में प्रेसिडेंट ओबोते ने इदी अमीन को 1970 में युगांडा की आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर बना दिया गया। बस फिर क्या था, अब इदी अमीन युगांडा के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके थे। यहाँ ओबोते सोच रहे थे कि इदी अमीन उनके सपोर्ट में है, लेकिन वो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। इदी अमीन प्रेसिडेंट को उनकी जगह से हटाकर खुद सत्ता हथियाना चाहते थे। ओबोते को पावर से हटाने के लिए इदी अमीन ने प्रेसिडेंट के असैसिनेशन का भी प्लान किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। जैसे ही ओबोते को इस चीज की भनक लगी, तभी से इदी और ओबोते के बीच रिफ्ट बढ़ती गई। इसी बीच इदी अमीन आर्मी फंड्स के मिसयूज में दोषी पाए गए। ये पाया गया कि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन फंड से पूरे 40 मिलियन शिलिंग्स का स्कैम किया है। इसी के चलते प्रेसिडेंट ओबोते ने इदी अमीन को उनकी पोजीशन से फायर किया और उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए। मौका देखकर इदी इस अरेस्ट से बच निकले और कंपाला में जाकर छिप गए। और कुछ ही दिन के अंदर अंदर उन्होंने ओबोते के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। 25 जनवरी 1961 को ओबोते सिंगापुर में एक कॉमनवेल्थ समिट अटेंड कर रहे थे। उसी दौरान इदी ने युगांडा की कैपिटल कंपाला को सीज किया और एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया और उन्होंने फाइनली खुद को युगांडा का नया प्रेसिडेंट घोषित किया। और यहीं से शुरुआत हुई युगांडन हिस्ट्री के सबसे बुरे दौर की। दोस्तों, 1971 के मिलिट्री कू के बाद इदी अमीन पूरे 9 साल वहां पावर में रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि अमीन के इस कू को वहां की जनता के साथ साथ कुछ वेस्टर्न नेशंस ने भी वेलकम किया। इसका कारण था प्रेसिडेंट ओबोते का अनपॉपुलर रूल, और यहां वेस्टर्न नेशंस को लगता था कि अमीन इस रीजन में रशिया का इन्फ्लुएंस रिस्ट्रिक्ट करने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। उल्टा उसके इस कू में लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी, जायरे के मुबोदु सेसे सेको और सोवियत यूनियन के तानाशाहों ने उनका सपोर्ट किया, और इस दौरान वेस्टर्न नेशंस के साथ युगांडा के संबंध और भी ज्यादा खराब हो गए। इसके अलावा पावर में आते ही उन्होंने युगांडा के लोगों को कई कंसेशंस देने शुरू किए, प्रिजनर्स को रिलीज किया, सीक्रेट पुलिस को बैन किया, और यहां तक कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का भी वादा किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे उनका असल रूप सबके सामने आने लगा। सबसे पहले उन्होंने अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट का टेन्योर 15 मंथ से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के काफी प्रोविजंस रिस्ट्रिक्ट कर दिए, मिलिट्री रूल को सिविल लॉ के ऊपर रखा और अपने सभी दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। इसमें वो सभी लोग शामिल थे जिनका ब्रिटिशर्स या फिर ओबोते की गवर्नमेंट के साथ कोई भी ताल्लुकात थे। युगांडा की आर्मी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया और केवल अपनी लॉयल ट्राइब्स के लोगों को उठाकर आर्मी में डाल दिया। इसके अलावा बाकी सभी रिबेलियस कम्युनिटीज का भी यही हश्र हुआ। इसमें एकोली एंड लैंगो ट्राइबल कम्युनिटीज मुख्य रूप से शामिल थे, क्योंकि इस क्रिश्चियन ट्राइब के लोग प्रेसिडेंट ओबोते के सपोर्टर्स थे। इसके साथ साथ बाकी कई ट्राइबल ग्रुप्स, स्टूडेंट्स, लीडर्स, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, जजेस, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स और ना जाने कितने हजारों बेगुनाह लोग इदी का शिकार बने, और इन्हीं में युगांडा में बसने वाली एशियन कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। इन पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रातों रात युगांडा से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। वो क्यों और कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। असल में शुरुआत में इदी ने अपनी इस रेन ऑफ टेरर को आम जनता और इंटरनेशनल कम्युनिटी से छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह तो मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे उनकी ये सभी हरकतें दुनिया के सामने आ रही थीं, तो लोगों का इससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अगस्त 1972 में युगांडा की क्रंचिंग इकोनॉमी की तरफ ध्यान देने का अभिनय किया। उन्होंने युगांडा की इकोनॉमी की इस बुरी हालत का सारा इल्जाम एशियन कम्युनिटी के लोगों पर डाल दिया। बस फिर क्या था, इस बार इन एशियंस को बलि का बकरा बनाया गया। 4 अगस्त 1972 को इदी अमीन ने सबके सामने ये ऐलान किया कि पिछली रात उनको एक सपना आया जिसमें अल्लाह ने खुद उनसे आकर ये कहा कि वो युगांडा में रह रहे सभी एशियंस को निकालकर बाहर कर दें, केवल तभी युगांडा की इकोनॉमी में कुछ सुधार आ सकता है। उनका कहना था कि एशियन कम्युनिटी के लोग वहाँ अलग थलग रहते हैं, वहाँ के लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। उनकी सबसे ज़्यादा रुचि केवल युगांडा की अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने में रही है। वो युगांडा के रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं और वहाँ पर करप्शन को बढ़ावा देते हैं।
बस ये सभी इल्जाम लगाते हुए उन्होंने एशियन माइनॉरिटीज को युगांडा छोड़ने के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम दिया। कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखें तो उस समय युगांडा में एशियन कम्युनिटी के लगभग 80,000 लोग मौजूद थे। ये युगांडा की पॉपुलेशन का 1% और उनकी नेशनल इनकम का 20% हिस्सा कंज्यूम करते थे। ये लोग असल में ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के युगांडन प्रोटेक्टोरेट में थे, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लाए गए थे, जो या तो उनके बैंक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम किया करते थे। इस वर्कफोर्स को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ब्रिटिशर्स युगांडा की इंडिजिनस पॉपुलेशन के बजाय एशियंस कम्युनिटी की एडुकेशन और ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। इसी वजह से उन लोगों की जनरेशंस 1970s में भी युगांडा के बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर को डोमिनेट किया करती थी। बस इसी बात का इदी अमीन ने फ़ायदा उठाया और उसके पागलपन को एक और मोहरा मिल गया। 9 अगस्त तक आते आते वहां रह रहे इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिटीजन्स को भी वहां से निकल जाने के लिए कहा गया। साथ ही साथ 14 अगस्त को उन्होंने ये ऐलान किया कि एक बार एशियंस वहां से निकल जाएं, उसके बाद यूरोपियंस का भी यही हाल होगा। इस दौरान ब्रिटिशर्स के साथ उसके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। खैर, इसी के चलते वहां रह रहे 80,000 लोगों के लिए अपना घर, जमीन, जायदाद छोड़कर रातों रात वहां से भागने की नौबत आ गई। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक थी उन लोगों ने तो दूसरे देशों में रहने का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था वो लोग आसपास के देशों में रेफ्यूजीज बनकर रहने लगे, और जो जाने के लिए तैयार नहीं थे इदी की मिलिट्री ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसी इंसिडेंट को एशियन एक्सपल्शन के नाम से जाना गया। इदी अमीन के इस इंसिडेंट के बाद उनकी छवि पूरी दुनिया के सामने आने लगी। उनकी क्रूरता की कई कहानियां बाहरी दुनिया को पता चलने लगी। बहरहाल, एक तो पहले से ही इदी अमीन की मिलिट्री रूल के दौरान युगांडा की इकोनॉमी की हालत बहुत बेकार थी, लेकिन एशियन एक्सपल्जन के बाद युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां की इकोनॉमी को एशियन कम्युनिटी के लोगों ने ही संभाला हुआ था, और उनके जाते ही इकोनॉमी पूरी तरह क्रम्बल हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर पहुंच गया, रिसोर्सेज खत्म होते गए और हालत बद से बदतर होती गई। खैर, युगांडा से बाहर निकलने वाले अधिकतर लोगों को ब्रिटेन ने शरण दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से मैक्सिमम लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करते थे। उन्होंने वहां एक बार फिर जीरो से शुरुआत की और अपनी मेहनत के बलबूते पर ब्रिटेन की इकोनॉमी में बड़ा योगदान दिया। बताया जाता है कि वहां जाकर सेटल हुए लोगों ने ब्रिटेन की रिटेल इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया। ब्रिटेन के अलावा इन लोगों को आश्रय देने वाले देशों में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर भारतीय सरकार का क्या रवैया था, तो इसके जवाब में हमें मिक्स्ड अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि भारत सरकार ने इस इंसिडेंट को युगांडा के इंटरनल मैटर की तरह ट्रीट किया और इदी अमीन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। नतीजा ये निकला कि ईस्ट अफ्रीका में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी के लोग इंडिया से और भी ज्यादा दूर चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि उनके मुश्किल समय में इंडिया ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं कुछ दूसरे सोर्सेस बताते हैं कि भारत सरकार ने इदी को इसके खिलाफ चेतावनी तो दी, लेकिन इदी ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। खैर, वो जो भी हो, लेकिन इदी अमीन अपने इस मिशन में भी कामयाब रहा। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी तो सिर्फ एक बहाना थी। इदी अमीन को अगर कुछ सच में हासिल करना था तो वो सिर्फ और सिर्फ थी तबाही। जी हाँ, कभी अपने लोगों के साथ तो कभी बाहर के लोगों के साथ, कभी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ तो कभी आर्मी के साथ, इदी अमीन हर तरफ सिर्फ नरसंहार ही कर रहा था। इसी दौरान इदी अमीन के खिलाफ दो कू भी अटेम्प्ट किए गए, लेकिन वह दोनों ही नाकामयाब रहे। ये कू भले ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे, लेकिन इसके बाद इनसे जुड़े हुए लोगों का जो हश्र होता था वो बयान करना भी मुमकिन नहीं। अमीन का पूरा रूल एक्सट्रीम ह्यूमन राइट अब्यूजेस, पॉलिटिकल रिप्रेशन, एथनिक परसिक्यूशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, मैसकेयर्स, पुअर इंटरनेशनल स्टैंडिंग, नेपोटिज्म, करप्शन और ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट द्वारा डिफाइन किया जाता है। और इतिहास के बाकी सभी तानाशाहों की तरह ही युगांडा की इसी दुर्दशा ने इदी अमीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। 1978 तक आते आते इदी अमीन का सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाता है। उनके सो कॉल्ड लॉयल एलाइज उनसे दुखी होकर उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। उनमें से कुछ तंजानिया के बॉर्डर्स के उस पार जाकर बस जाते हैं। इसी दौरान अमीन एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू करते हैं, जिसके मुताबिक उनके पड़ोसी देश तंजानिया की आर्मी उन पर अटैक करने की तैयारी कर रही है। असल में वो तंजानिया से प्रेसिडेंट ओबोते को निकाल कर मारना चाहते थे, इसलिए वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाकर तंजानिया के कैगरा रीजन पर अटैक कर देते हैं
और उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसके दो हफ्तों बाद तंजानिया के प्रेसिडेंट जूलियस नेरे अपने ट्रूप्स और युगांडन एग्जाइल्स के साथ मिलकर युगांडा पर अटैक कर देते हैं। तंजानिया अपने मिशन में कामयाब रहता है और 11 अप्रैल 1979 को कंपाला को कैप्चर कर लेता है। अमीन को पावर से हटा दिया जाता है और उनको अपनी जान बचाकर लीबिया में एग्जाइल में रहना पड़ता है। अमीन लीबिया को छोड़कर पहले इराक और फिर सऊदी अरेबिया शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर 16 अगस्त 2003 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है और इसी तरह अंत होता है इस दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह इदी अमीन का। तो दोस्तों ये थी कहानी इदी अमीन की। इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिलता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।